तो आज का टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन, और इसका दूसरा नाम क्या है? एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। एक्चुअल में फिजिक्स में हम दो किस्म की मोशंस को स्टडी करते हैं, या तो बॉडी स्ट्रेट जा रही होगी या बॉडी गोल गोल घूमेगी। तो अगर स्ट्रेट जा रही है तो हम क्या नाम देते हैं मोशन को? लीनियर मोशन। तो क्या नाम है? लीनियर मोशन, ठीक। और अगर कोई गोल घूम रही है बॉडी तो क्या नाम है? सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन, कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर हम लीनियर मोशन को स्टडी करें, हमने किया भी हुआ है, कैसे? अगर हम ये देखें कि इसके अंदर लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स। हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट एक्स है। एक्चुअल में हमने सर्कुलर उस टाइम स्टडी नहीं किया, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी ऑटोमेटिकली कौन सी थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम बोलते नहीं थे लेकिन काफी जगह लिखा होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? इस चैप्टर में बॉडी किसमें घूमेगी? इन अ सर्कल। अब अगर बॉडी सर्कल में घूमती है, और लेट अस सपोज कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आती है, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो बोलता देखो सर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रही। बिल्कुल सही बोलता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक स्टूडेंट है वो कहता नहीं सर ऐसे नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उसने कितना एंगल कवर किया। सेंटर पे एंगल से बताया जा सकता है कि पोजीशन क्या है। कैसे? अगर सेंटर पे एंगल 2π है तो यानी कि बॉडी ए से स्टार्ट होकर वापस ए पे आ गई, और अगर यहां से स्टार्ट होती है ए पॉइंट से और एंगल कवर 90 डिग्री है, तो यहां से आपको यहां मिलेगी, वो 90 पे ऊपर मिलेगी, 180 पे यहां मिलेगी, 360 पे वापस यही मिलेगी, राइट। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट को एंगल से मेजर करता है इंस्टेड ऑफ डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, लीनियर ना लेता हुआ एंगल लेता है, तो एंगल सपोज कवर्ड कितने सेंटर पे? थीटा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो काम लीनियर मोशन में एक्स करता है वो काम एंगुलर मोशन में कौन करेगा? थीटा करेगा। तो एक्स का नाम क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या जाएगी? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो वेलोसिटी भी लीनियर है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी के साथ, राइट। क्लियर है? वी के साथ। उसी तरीके से सपोज इसमें अगर मैं थीटा को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास एक और वेलोसिटी आ जाती है, और वो वेलोसिटी का नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, राइट। क्लियर है? तो जो काम इसमें वी करेगा वो काम इसमें कौन करेगा? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? ये, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो काम लीनियर वेलोसिटी वी करती थी वो काम इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करेगा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? अब उसी तरीके से अगर मैं वी को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या जाएगी? एक्सेलरेशन। रादर इसका पूरा नाम क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। सिंबल क्या है? ए। इसके अंदर अगर मैं ओमेगा को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल क्या है? अल्फा। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा? फिर से काइनेमेटिक्स जैसी चीजें फिर से स्टार्ट हो रही हैं। स्टार्ट तो एक्स से किया था ना, एक्स से अब थीटा में आ गए, वी से ओमेगा में आ गए, ए से अल्फा में आ गए, राइट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि वेलोसिटी क्या है या लीनियर वेलोसिटी क्या है, आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, कितनी तेजी से मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और अगर मैं ये बोलूं कि ओमेगा क्या है, तो कितनी जल्दी जल्दी मैं एंगल कवर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं एंगल जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं तो यानी कि मेरा ओमेगा स्पीड ज्यादा है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि पंखे का ओमेगा 10 है और फिर थोड़ी देर में पंखे का ओमेगा 20 हो गया, यानी कि इसकी रोटेशन की स्पीड ज्यादा हो गई, घूमने की स्पीड ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि सेंटर में जो एंगल है वो जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? डिस्कस करते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं यूनिट्स की, तो एक्स के यूनिट क्या है? मीटर। वेलोसिटी के यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन के यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स क्या है? रेडियंस। एंगल थीटा, इसमें डिग्री नहीं है क्या? रेडियन। ओमेगा क्या है? रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है अल्फा, क्या है? रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जो काम मीटर पर सेकेंड करता है वो काम इसमें रेडियन पर सेकेंड करेगा। ऐसी जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर करेगा, और ऐसी जो पार्ट इसमें एक्सेलरेशन के यूनिट चेंज हो जाएंगे। सही यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब अगर हम इस पूरी थ्योरी को समझें और अगर मैं ये लिखूं टाइप ऑफ मोशंस, तो अगर आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने कुछ जब स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स तो कुछ ऐसे टाइप ऑफ मोशन में यहां से स्टार्ट किया था, रादर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहता हूं टाइप ऑफ मोशन में कौन सी मोशन लीनियर, क्योंकि अब दो चीजें होगी ना तो क्लासिफाई करना जरूरी है। तो कौन सी? या तो बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन क्या रहेगी? जीरो, और यहां पर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो होगी। तो ऐसी मोशन का नाम क्या था बोलो? क्या बोलते थे? कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। और इस मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ये भी सिखाया था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है? एस इज इक्वल टू बस, और कोई लगती नहीं है, यही किया था। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलरेशन, तो कोई भी इक्वेशन लगा लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, और ऐसी s इज ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब चलो यहां पे आते हैं, ये लो। तो टाइप ऑफ, यहां पे क्या हेडिंग होगी? टाइप ऑफ कौन सी मोशन? एंगुलर मोशन, क्योंकि टाइप ऑफ मोशन में बाय डिफॉल्ट कौन सी है? लीनियर। पर अगर एंगुलर है तो बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एंगुलर मोशन में फिर से दो केस बनाएंगे, ये आपकी बुकलेट में लिखा नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूं। तो यानी कि या तो ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या
एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? या तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है यहां तक। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा उसमें क्या होगा? जीरो, क्योंकि जो काम ए कर रहा है वो काम इसमें अल्फा करेगा, तो अल्फा क्या होगा? जीरो। जैसे एक पंखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड से घूमे जा रहा है, बस कांस्टेंट है, तो इसमें अल्फा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से 20 रेडियन पर सेकंड हो गया तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, कौन सी? एंगुलर अल्फा। तो ऐसी जब अल्फा जीरो है तो इस मोशन का नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, या जैसे इसका नाम था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, या फिर एंगुलर की जगह एक और नाम बोलो क्या? सर्कुलर मोशन, ठीक है। और दूसरा इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है यहां तक? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सेम नहीं चल रहा पैटर्न, कॉपी पेस्ट हो रहा है, एंगुलर एंगुलर ले जा रहा हूं बस। अब फिर देखो कॉपी पेस्ट, अगर इसमें s इज इक्वल टू vt है, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s इज इक्वल टू vt है, s की जगह यहां पर क्या यूज किया जाएगा बोलो? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। v की जगह बोलो क्या? ओमेगा, और टाइम का तो टाइम ही होता है, तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे न्यूमेरिकल में? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, कोई डाउट इसमें? तो जो काम इसमें s इज इक्वल टू vt करता था वो काम इसमें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t करेगा। अब जो काम इसमें v u + at करता है तो v की जगह पुट करेंगे ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर v की जगह ओमेगा का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह ओमेगा नॉट का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बात तो वही हो गई, ऐसा भी लिखा जा सकता है ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, एक ही बात है। अच्छा बताओ इसका क्या लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as को ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा, और बोलो लास्ट इक्वेशन को क्या लिखेंगे? थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, चेक करो रिप्लेसमेंट ऐसी हो रही है, कोई डाउट इसमें? तो ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि कहीं काइनेमेटिक फिर तो नहीं आ रहा? आ रहा है, कुछ कुछ तो आ रहा है। जो काम काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन करती थी वो काम इसमें एंगुलर में ये करेंगी, तो यानी कि काइनेमेटिक्स तो फिर से आने वाला है, फिर वही पंखा गिवन होगा इसमें, उसमें कार थी, इसमें पंखा है, पंखा घूम रहा है, मोटर घूम रही है, विद इनिशियल ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा नॉट, टाइम पता है, अल्फा पूछ लेगा, अल्फा देगा ओमेगा पूछ लेगा। तो आप ये अगर ये सोचें सर पूरा काइनेमेटिक फिर से करना पड़ेगा इसमें, नहीं फिर से नहीं करना पड़ेगा, बस मैपिंग करेंगे कि अगर वो कार की जगह पंखा ले रहा है, यू की जगह वी दे रहा है, या U की जगह ओमेगा नॉट दे रहा है, वी की जगह ओमेगा दे रहा है, तो जैसे अपने काइनेमेटिक्स में बोलूंगा ये किया था ऐसे इसमें ये इक्वेशन लगा के ऐसे आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स रिलेटेड बहुत कम होने वाले हैं इसमें, क्योंकि काइनेमेटिक्स ऑलरेडी हमने काफी टाइम इसमें स्पेंड किया हुआ है। हाँ, बीच बीच में जब वेलोसिटी चेंज होंगी तो ये इक्वेशन यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट क्योंकि हम स्टार्ट एनसीईआरटी से करने वाले हैं और फिर कॉम्पिटिशन तक जाने वाले हैं, और एनसीईआरटी के अंदर जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की है, तो जिसमें वेलोसिटी ओमेगा क्या रहेगी? कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो वो जो न्यूमेरिकल भी देते हैं उसमें का कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के लोग कभी कभी ओमेगा को चेंज कर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव शीट्स में आप देखेंगे कि ओमेगा चेंज दिखेगा, एनसीईआरटी की शीट्स में आप देखेंगे ओमेगा ज्यादातर चेंज नहीं रहेगा, राइट? तो इसीलिए एनसीईआरटी की किताब अगर खोलें तो चैप्टर का पूरा नाम पता है क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मतलब हम जो काम अब करने जा रहे हैं उसमें ओमेगा चेंज नहीं करेंगे, तो आपका काइनेमेटिक्स का आधा काम तो हो गया खत्म, क्योंकि ये तो मैं यूज ही नहीं कर रहा अभी। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सीख जाएंगे 3-4 लेक्चर में, हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के भी, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म चलता कैसे है। लेकिन अभी फोकस किस पे रहेगा? सिर्फ
यूनिफॉर्म पे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक, तो चैप्टर का नाम सही रखा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं स्टार्ट तो यहां से भी कर सकता था, चलो चैप्टर करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। देखो बात नहीं बनेगी, आपको ये पता लग रहा है हमने अब तक क्या किया, इसके पैटर्न पे क्या होने वाला है और हम एग्जैक्टली करने के वाले हैं। क्या ये स्टेप क्लियर है इंट्रोडक्शन में? ये मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसके अंदर नाम ऐसा क्यों रखा आपको समझ में आ रहा है। और पंखा अगर चलेगा तो वो बस ऐसे ही चलेगा कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ, वो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि चैप्टर का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है यहां तक?